hello my dear kids welcome back i am vandana and we are learning english grammar by brain root series here is a book and the name of the book is grammar glitter odyssey and this is book 2 so today we will start chapter number 20 and the name of the chapter is and or and but so this is the name of a chapter क्या कहते है? हैं कंजंक्शंस कहते हैं सो कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंट टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस विथ ईच अदर कंजंक्शन का क्या काम होता है फेविकोल का काम करता है ये क्या करता है दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर देता है एग्जाम्पल इज अजय अजय बहुत ही फैट है मोटा है अजय इज शॉर्ट अजय की जो हाइट है वो बहुत कम है तो अजय मोटा भी है और छोटा भी है सो so, अब हमने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया तो क्या सेंटेंस बना क्योंकि अजय की बात दोनों ही सेंटेंसेस में हो रही है तो हमने यहां से अजय इज और अजय इज को एक कर दिया मीन्स एक बार ही लिखेंगे तो अजय इज लिख दिया अब हम क्या करेंगे फैट और शॉर्ट के बीच में हमने एंड को ऐड कर दिया तो इसका मतलब सेंटेंस बन गया अजय इज फैट एंड शॉर्ट तो अब जब हमने इस सेंटेंस को पढ़ा तो हमें पता चल गया कि अच्छा अजय की बात हो रही है और अजय कैसा बच्चा है वो फैट भी है और शॉर्ट भी है दोनों ही है तो जब ये बच्चा दोनों ही है तो हमने यहाँ पे एंड को यूज कर दिया क्लियर नेक्स्ट इज टी इज हॉट जूस इज कोल्ड टी गर्म होती है और जूस ठंडी होती है हॉट so, यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है जूस इज कोल्ड यहाँ भी कुछ भी सेम नहीं है यहाँ पे तो दोनों सेम थे अजय इज अजय बट यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है एक हॉट है तो दूसरा कोल्ड है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो हमने अब इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए क्या लिखा हमने यूज किया बट को तो बट ने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया और वो भी कैसे टी इज हॉट सेम लिख दिया हमने जूस इज कोल्ड उसे भी सेम लिख दिया बीच में हमने लगा दिया बट सो टी इज हॉट बट जूस इज कोल्ड तो ऐसे हमने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया नेक्स्ट थर्ड वन वी कैन टेक एन ऑटो वी कैन टेक आ बस तो यहां पर दो सेंटेंसेस हैं जिसमें Can, ये दोनों सेंटेंसेस क्या कह रहे हैं एक कह रहा है कि हम लोग ऑटो भी ले सकते हैं हम लोग बस भी ले सकते हैं ऑटो से भी जा सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं तो अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है इन दोनों सेंटेंसेस में वी कैन टेक वी कैन टेक सेम है तो इन्हें कर देंगे हम वन टाइम सो वी कैन टेक हमने लिख दिया अब क्या बचा एन ऑटो बस अब जो बचा एन ऑटो यहां लिख दिया ठीक है अब यहाँ लिख दिया अब क्या आप दोनों से एक साथ जा सकते हो नो no, दोनों में से एक के साथ ही जाना है आपको या तो ऑटो में जाओ या तो बस में जाओ तो हमने क्या किया? यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं कि ऑटो से चले जाओ या तो बस से चले जाओ सो चिल्ड्रेन वेन वी टॉक अबाउट ऑप्शन वी यूज और जब दो में से एक ऑप्शन लेना है तो हम और को यूज करते हैं एनड इज यूज टू जॉइन से कब हम यूज करते हैं तब यूज करते हैं जब दो एक जैसी चीजों को हमें ज्वाइन करना हो तो सेम थिंग के लिए हम एन यूज करते हैं बट इज यूज टू ज्वाइन ऑपोजिट थिंग्स अभी हमने किया था ना कि एक तो हॉट है कोल्ड है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो अपोजिट चीजों को ज्वाइन करने के लिए हम बट यूज करते हैं आर इज यूज टू शो आर चॉइस और कब यूज करते हैं जब हमें किसी चॉइस के बारे में बात करनी हो चूज करना हो कि ये सही है या दूसरा चाहिए, सही है दोनों में से एक चूज करना है तो हम और को यूज करते हैं नाउ लेट्स डू दिसज ऑफ दिस चैप्टर वीव टू डूर वीडरलाइन दस इन दीज सेंटेंस कंजेंशन को अंडरलाइन करना है तो फर्स्ट सेंटेंस इज रविवर बट लेजी रवि जो है चालाक तो है क्लेवर मीनस चालाक तो चालाक तो है लेकिन बहुत ही लेजी है काम नहीं करता वो टाइम पे सो येव यूज बट बट से हमने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है दोनों ऑपोजिट को ज्वाइन किया है मोहित एंड भावना वेन्ट टू द मार्केट मोहित और भावना मार्केट गए तो हमने क्या यूज किया एंड मोहित भी मार्केट गया भावना भी मार्केट गई अब दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने यूज किया है वो है बिकॉज वो जीता क्यों जीता क्योंकि वो तेज भाग रहा था बिकॉज तो बिकॉज हम कब यूज करते हैं जब हमें कोई रीजन देना होता है मैं स्कूल नहीं गया क्यों नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था सो so बिकॉज इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो जीता है और क्यों जीता है क्योंकि वो तेज भाग रहा था जैक एंड जेल वेंट द हिल तो यहाँ पे टू सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन किया है एंड से जैक भी हिल पे गया और जेल भी हिल पे गई तो दोनों सेंटेंसेस को हमने एंड से ज्वाइन किया है फिफ्थ वन आकाश शूज आर डी बट हिज ड्रेस इज क्लीन तो यहाँ पे एक बच्चा है आकाश जिसकी जो शूज है वो डी है लेकिन ड्रेस क्या है क्लीन, तो और क्लीन, एक दूसरे के ऑपोजिट है ज्वाइन किया हमने बट से सिक्स वन शी वॉज लेट बिकॉज शी मिस्ड द बस तो वो लेट थी क्योंकि उसकी बस छूट गई थी तो लेट होने का यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें एक रीजन मिल रहा है क्यों लेट हुई तो आपने बोला क्योंकि बस छूट गई थी नेक्स्ट सेवेंथ वन आई लाइक हिम बिकॉज ही इज पंचल मुझे वो पसंद है क्यों पसंद है क्योंकि वो पंचुअल है वो टाइम से आता है सब काम टाइम से करता है सो so यहाँ पे हमने एक रीजन दिया सो बिकॉज अगेन इज कंजंक्शन एट वन माई सिस्टर लव्स मी बट शी कीप्स ऑन फाइटिंग विथ मी मेरे सिस्टर मुझे बहुत प्यार करती लेकिन वह हमेशा मुझसे लड़ती रहती है तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया बट तो मेरी सिस्टर मुझसे प्यार करती है लेकिन मुझसे फाइट करती रहती है सो बट इज़ यूज टू जॉइन दीज टू सेंटेंसेस Now, children, let's move on to B exercise. Join the following pair of sentences using and or but. To and या फिर but use करना है और इन दोनों sentence इन uh, sentences को join करना है So the room was neat, room साफ था The room was tidy, room again फिर से साफ सुथरा था तो neat और tidy क्या है एक जैसे वर्ड्स हैं तो हम लिखेंगे क्योंकि यहां पे द रूम वॉज द रूम वॉज दो बार आ रहा है तो एक बार लिखना है ठीक है तो ये जो बाद वाला द रूम वॉज है ये हम हटा देंगे सो so सेंटेंस क्या बन जाएगा द रूम वॉज नीट एंड टाइडी हम लगा देंगे एंड तो आई एम राइटिंग हियर मैं आपको यहां पे लिख के दिखा रही हूं द रूम वॉस

शी कीप्स फाइटिंग विथ मी तो यहां पर हम क्या लगाएंगे बट और कुछ चेंज नहीं करना है सेम टू सेम सेंटेंस लिख देंगे माई सिस्टर लवस मी बट शी की होल सेंटेंस नाउ थर्ड वन शी इज पुअर शी इज ऑनेस्ट वो पुअर है वो ऑनेस्ट है वो गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है तो हम क्या करेंगे एक जो है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए तो हम यहां पे लिखेंगे बट सो शी इज पुअर बट ऑनेस्ट अब शी इज शी इज दो बार है तो इसे हटा देंगे सो सेंटेंस विल बी शी इज पुअर बट ऑनेस्ट शी इज पुअर बट ऑनेस्ट Clear, children? So, like this, you have to make this sentence. Now, fourth one is I love cooking. I love eating. मुझे cook करना पसंद है, मुझे खाना पसंद है. तो दोनों चीजें पसंद हैं. So we will use here and I like cooking and eating. तो so I like को आया और हमने लिख दिया and. So sentence will be I like cooking and Eating. Clear children? So this is अर sentence. Now fifth one. We tried our best. We lost the match. हमने जो है पूरी मेहनत की और मैच फिर भी हम जीत हार गए तो हमने क्या किया हमने मेहनत तो की लेकिन हम हार गए तो हम यहाँ पर यूज करेंगे बट so we tried our best but we lost the match okay next she eats fruits she eats vegetables तो so वो fruits भी खाती है vegetables भी खाती है so दोनों चीजें हैं तो हम she eats को यहां से हटा देंगे and the sentence will be she eats fruits and vegetables नाउ सेवेंथ वन चिल्ड्रन प्लीज गिव मी अ पेंसिल प्लीज गिव मी अ पेन सो यहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ों में आपने ऑप्शन पूछा कि पेंसिल चाहिए पेन चाहिए तो आपने लिखा कि प्लीज गिव मी अ पेंसिल और अ पेन या तो एक पेन दे दो या फिर एक पेंसिल दे दो नाउ एट वन इज द स्व रेड इज द सॉन वाइट अब क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वो जो स्वान है वो रेड है या फिर वाइट है तो अगेन हम यहाँ पे और यूज करेंगे सो इज द स्वान को हमने कट कर दिया क्योंकि टू टाइम्स लिखा था तो हमने लिख दिया इज द स्वान रेड और वाइट क्लियर शी इज ब्यूटिफुल शी इज स्मार्ट तो हमने यहाँ पे शी इज टू टाइम्स है तो यहां से और बन गया दोनों ही चीजें हैं फार सो आई वुड गो मैं जाऊंगी या जाऊंगा बहुत दूर है बट इट इज टू फार सो चिल्ड्रेन आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर यू Now let's move on to the next exercise, which is exercise C. Correct the joining words in the following sentences and rewrite them. तो यहाँ पे कुछ joining words दिए गए हैं, वो गलत हैं। आपको क्या करना है उन्हें correct करना है और फिर से लिखना है। Would you like some tea and coffee? तो क्या तुम्हें चाय और कॉफी चाहिए? तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे and लिखा है, so which is wrong? तो हम अगर किसी से पूछते हैं तो वी यूज और सो वुड यू लाइक सम टी और कॉफ़ी क्या तुम्हें चाय चाहिए या कॉफ़ी दोनों चीज़ एक साथ नहीं पी सकते मदर बाथ सम फ्रूट्स बट वेजिटेबल्स तो मदर जो है कुछ फ्रूट्स लाई, कुछ वेजिटेबल्स लाई. तो यहाँ पे आएगा एंड सो मदर ने क्या किया मदर कुछ फ्रूट्स भी लाई और साथ में कुछ वेजिटेबल्स भी लाई थर्ड वन द केक इज स्वीट और द कैंडी इज बेटर सो यहाँ पे हम लिखेंगे बट क्योंकि स्वीट और बेटर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं द केक इज स्वीट बट द कैंडी इज बेटर फोर्थ वन डू यू लाइक द रेड रेस एंड द ब्ल्यू ड्रेस तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दो ड्रेसेस के बीच में आपको चॉइस करना है तो हम लिखेंगे और सो डू यू लाइक द रेड ड्रेस और द ब्लू ड्रेस नेक्स्ट फ्रॉम द अर्थ वी कैन सी द सन और द मून तो हम जो है अर्थ में से सन को मून को क्या देख सकते हैं दोनों को देख सकते हैं सो वी विल राइट हेयर एंड from the earth we can see the sun and the moon sixth one the team worked hard but won the game and won the game Bahot mehnat ki aur jeet the team worked hard and won the game so these are the answers children i hope it's clear now let's move on to d exercise बट तो ये तीनों वर्ड्स यूज करने हैं आपको और इनसे ही इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है टिया के जो फेवरेट एनिमल्स हैं वो है रैबिट्स भी और शीप्स भी दोनों ही है लास्ट सनडे ब्रदर्स सेट दैट ही को टेक हर टू द और द म्यूजियम अब क्योंकि दोनों में से एक ही जगह जा सकती तो हम लिखेंगे यहाँ पे और तो उसके फादर उसके भाई ने बोला कि उसको फार्म ले जाएगा या फिर म्यूजियम ले जाएगा टी आई वॉन्टेड टू विजिट बोथ वो दोनों जगह जाना चाहती थी बट हर ब्रदर सेड दैट शी हैड टू चूज वन लेकिन उसके भाई ने बोला कि तुम्हें एक चूज करना है या तो फार्म में जाओ या फिर म्यूजियम जाओ टिया चूज द फार्म एंड आस्ट और पूछा उसने इफ दे कूड गो टू द म्यूजियम द नेक्स्ट वीक तो चूज आ, तो टिया ने बोला कि ठीक है मैं फार्म जाऊँगी लेकिन तुम प्रोमिस करो कि नेक्स्ट वीक तुम मुझे म्यूजियम घुमाने ले जाओगे हा ब्रदर अग्री टू दैट उसके भाई ने कहा ठीक है एट द तो फार्म द रैबिट्स व फीडिंग एंड द शीप्स व स्लीपिंग तो जब फार्म पर गए तो जो रैबिट्स थे वो क्या कर रहे थे फीड कर रहे थे खाना खा रहे थे और जो शीप्स थे वो क्या कर रहे थे सो रहे थे आफ्टर रोमिंग अराउंड फॉर मैनी आवर्स बहुत देर तक घूमने के बाद टिया डैश हर ब्रदर टिया एंड हर ब्रदर टू हैव है तो थोड़ी देर घूमने के बाद वो लोग क्या गए सैंडविच खाने एंड मिल्क शेक्स तो सैंडविच सैंडविच के साथ उन्होंने मिल्क शेक भी लिया

तो किसी भी तरीके के रिटर्न मैसेज या फिर प्रिंटेड मैसेज को ही हम लेटर राइटिंग कहते हैं सो लेट्स सी द दस्ट एग्जाम्पल लेटर टू अंकल थैंकिंग हेम फॉर द बर्थडे गिफ्ट तो आपको क्या करना है एक लेटर लिखना है अपने अंकल को और आप उन्हें क्या बोल रहे हो थैंक यू बोल रहे हो किस लिए बर्थडे गिफ्ट के लिए सो य फर्स्ट राइटर एड्रेस टू वन सेवन सेक्टर फोर नेक्स्ट न्यू कंस्ट्रक्शन एंड द थर्ड लाइन गुलाबी बाग डेली सेवेन एंड आफ्टर राइटिंग द एड्रेस वी विल राइट डाउन द डेट सो वॉट एवर इज द डेट राइट इट डाउन सो डेट लिखना है मंथ लिखना है एंड देन वॉट यू हैियर अंकल आप क्योंकि अंकल को आप लेटर लिख रहे हो तो यहाँ पर डियर के साथ आप अंकल लिखेंगे चलिए लेट्स स्टार्ट द लेटर मैनी थैंक्स फॉर सेंडिंग मी अटॉय एरोप्लेन ऑन माई बर्थडे तो अंकल ने आपको एक टॉय एरोप्लेन गिफ्ट किया था आपके बर्थडे पे, तो आपने उनको क्या बोला थैंक यू आई लाइक दिस गिफ्ट वेरी मच मुझे गिफ्ट बहुत अच्छा लगा आई प्ले विथ इट फॉर आर्ट्स मैं बहुत ही टाइम तक बहुत घंटों तक इससे खेलती हूँ दिस गिफ्ट इज अ टोकन ऑफ योर लव मी ये जो आपका गिफ्ट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा और, और ऐसा लगता है कि आप मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हो प्लीज एक्सेप्ट माई थैंक्स मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ प्लीज उसे एक्सेप्ट करिए फिर आपने लिखा है योर्स अफेक्शुनेटली एंड देन हियर यू हैव टू राइट डाउन योर नेम फर्स्ट नेम नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बी एक्सरसाइज राइट आउट जेज रिप्लाइज फॉर द इन्विटेशन यूजिंग द वर्ड्स इन द हेल्प बॉक्स तो हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जे की हेल्प करनी हमें इस इन्विटेशन को लिखने के लिए सो फर्स्ट कम्स द डेट तो डेट आ गई यहां पे उसके बाद लिखा है आपने डियर डियर के साथ आप कोई भी एक नेम लिख दो थैंक यू फॉर इनवाइट फॉर द इन्विटेशन अब आप थैंक यू बोल रहे हो कि आपने मुझे इन्वाइट किया उसके लिए थैंक यू सो थैंक यू फॉर द इन्विटेशन बट ऑन संडे व टू गो टू माई अंकल्स हाउस फॉर द होल डे सो लेट्स राइट इट हियर तो हमें जो है संडे को घर पे हम नहीं रहेंगे हमें कहा जाना है अंकल के घर जाना है कब तक के लिए पूरे दिन के लिए सो वी हैव टू गो टू माई अंकल्स हाउस फॉर द होल डे नेक्स्ट माई कजिन इज गेटिंग एंगेज क्यों जा रहा हूं अंकल के घर क्योंकि मेरे कजिन जो है उनकी शादी होने वाली उनकी एंगेजमेंट है आई वुड डैश दिक्निक आई वुड है पिकनिक आई वुड है दिकनिक डैश बट परव एन अदर वन समाइम्स लेटर एंड टू द पार्क सो पिकनिक आने के लिए और वहाँ पार्क में जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था लेकिन कुछ समय बाद हम दोबारा से जाएंगे तो मैं नहीं आ पाऊंगा आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम सब जो भी लोग जा रहे हैं वहाँ पे तुम लोग इन्जॉय करोगे मुझे मिस करोगे और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करोगे विथ लव एंड देन क्योंकि आप जय हैं तो यू हैव टू राइट डाउन योर नेम हियर जय सो दिस वॉज अ लेटर दैट यू आर सेंडिंग टू योर

थर्ड वन इज राइटर टू यजिन्रेचुलेट हेम और बर्थ डे में आप नहीं जा पाए लेकिन आप उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हो चैप्टर आई होप इलेट यू आई बी वेटिंग फॉर यू विद्यूडियो स्टे टून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग